बिजली वितरण खंड श्रीनगर बिजली के बकाया बिलों को वसूलने में जुट गया है। नए वित्तीय वर्ष से पहले बिजली विभाग उन सभी उपभोक्ताओं को सूचना दे चुका है जिनके बिल लंबे समय से भरे नहीं गए हैं। इनमें मुख्य रूप से सरकारी और गैर सरकारी विभाग शामिल हैं। वहीं बिजली वितरण खंड श्रीनगर ने 3 बड़े संस्थानों को चिन्हित किया है जिन पर भारी भरकम बिल बकाया है। तो पौड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बकाया बिल वसूलने को लेकर पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। सरकारी गैर सरकारी विभाग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। राजस्व वसूली का कार्य हमारा लगातार चल रहा है और हमने पूर्व में दिसंबर माह में ही जितने सरकारी डिपार्टमेंट हैं उन सबको जो है उस समय के जो भी ड्यूज थे उससे अवगत करा दिया गया था। पर्सनली हमने उपखंड अधिकारी की ड्यूटी लगाई थी कि आप जाके सारे कार्यालयों में पर्सनली संपर्क करें। ड्यूज की यदि मैं बात करूं तो जैसे भारत संचार निगम है, BSNL है, उस पर लगभग, हालांकि उनका 3-4 महीने में पेमेंट सेंट्रली आता रहता है, पर वर्तमान तक की मैं यदि इस बात करूं तो इस समय उन पर लगभग 15 लाख रुपये तक का बकाया मेरे खंड से संबंधित है। इसी तरह से जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका भी अक्टूबर में लास्ट पेमेंट आया है, अक्टूबर 2021 में, लेकिन वो जो पेमेंट आया वो पार्ट पेमेंट के तौर पे आया है। और वर्तमान में जितने भी मेरे पास स्कूल्स हैं मेरे खंड के अंतर्गत तो उस पर लगभग मोटा मोटा लगभग इस समय 17 से 18 लाख रुपए तक का बकाया है। जल संस्थान में काफ़ी बकाया है इस समय, उनका पेमेंट पिछले माह भी जो है तकरीबन 2 करोड़ के आसपास आया है मेरे खंड में, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 20 करोड़ के आसपास का जो जल संस्थानों पर इस समय राजस्व वसूली बकाया है। बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह का इस समय यहाँ पर कोई पेंडिंग है नहीं मेजर ड्यूज।